welcome to senior KG class. Today's our subject is English. Okay, in our today's class, मैं आपको chapter number 19 use of where explain करूँगी. In our previous video, मैंने आपको chapter number 17 use of what यानी क्या what means क्या सिखाया था और उसके कुछ example explain किए थे. And chapter number 18 use of when means कब बताया था और उसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे. ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 यूज ऑफ वेयर मीन्स कहाँ वेयर मीन्स कहाँ है और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ये एग्जांपल्स मैं आपको रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. वेयर इज द गर्ल कहाँ है, लड़की कहाँ है. द गर्ल इज ऑन द बेड, लड़की बेड के ऊपर है. वेयर इज द कप कहाँ है. द कप आर ऑन द टेबल, कप कहाँ रखे हैं, टेबल के ऊपर. ओके, वेयर इज द मैन कहाँ है. द मैन इज इन द वैन, मैन जो है वो वैन के अंदर है. Where is the rabbit? Rabbit कहाँ है. The rabbit is in the field. Rabbit मैदान में है. Where is the cow? Cow कहाँ है. The cow is under the tree. Cow कहाँ है, tree के नीचे, पेड़ के नीचे. Where is the cat? Cat कहाँ है. The cat is under the table. Cat कहाँ है, टेबल के नीचे. ओके, यहाँ पे मैंने आपको वेयर यानी जो एग्जांपल्स है वो एक्सप्लेन किए हैं. और ओके चिल्ड्रंस, ये आपका चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 पे बेस पे एक्सरसाइज है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं व्हाट व्हेन और वेयर से और उसे हमें आंसर में लिखना है. ओके, फर्स्ट है वेयर इज द डॉग कहाँ है. तो T-H-E द D-O-G डॉग, I-S इज अंडर, U-N D-E-R अंडर, the car, car, the dog is under the car. Where is the books कहाँ है. the books books ar on 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 the T-A-B-L-E table. Okay, the books are on the table. What is your name, aapka naam kya hai. So my name name, is is R-O-H-A-N Rohan. My name is Rohan. Okay. What is your father name? आपके पापा का नाम क्या है? My F-A-T-H-E-R atmosphere as father's N-A-M-E name is विकास, B-I-K-A-S-H विकास. ओके, I-W-I-L-L विल C-O-M-E कम A-T-H Y-O-U-R योर H-O-M-E होम इन T-H-E, the
evening. Evening. I will come at your home in the evening. When do you wake up? आप कब उठते हो? I W A K E wake you up at 6 o atmosphere as clock clock. I wake up at 6 o'clock. मैं 6 बजे उठता हूँ. ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 19 यूज ऑफ वेयर मैंने आपको समझाया और उसका एक्सरसाइज भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, इट इज़ इनफ फॉर टुडे. आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक में इसे कंप्लीट करना है और अपने नोटबुक में एज अ होमवर्क इसे करना है. ओके, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक. सो बाय.